हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियोस। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इन अर्ली प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों को कहा जाता है, या फिर पहले 12 हफ्तों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है। इन केसेस में ब्लीडिंग थोड़ी कॉमन होती है। इसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉज हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। बच्चा जब अपने आप को बच्चादानी के अंदर इम्प्लांट करता है या अटैच करता है, तो वहाँ पर छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि रप्चर हो जाती हैं, और उस केस में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। कुछ खवातीन में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और कुछ में नहीं होती। सो सेकेंड केस है, अगर बच्चादानी में अटैच होने की बजाय कहीं बाहर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है उसने, लाइक किसी ट्यूब में ग्रो करना शुरू कर दिया है, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा ट्यूब का साइज़ छोटा होता है, तो ऐसी प्रेगनेंसी सर्वाइव भी नहीं कर पाती है और ट्यूब के फटने का ख़तरा होता है, रप्चर होने का ख़तरा होता है, जिससे ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और यह आपके लिए डेंजरस है, जानलेवा भी हो सकती है। इस पर मेरी वीडियो भी मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। थर्ड कॉज बनता है अगर बच्चे में कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम है, मतलब आपका एग या आपका स्पर्म अच्छी क्वालिटी का नहीं है जिसकी वजह से बच्चा बना है, और उसमें कोई जीन्स का प्रॉब्लम आ गया है या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम आ गया है, या बॉडी उसको एक्सपेल करने की ट्राई करती है ऐसी प्रेगनेंसी को, ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उस केस में भी ब्लीडिंग होती है। देन द फोर्थ कॉज इज़ जब बच्चा अपने आप को बच्चादानी के अंदर आकर इम्प्लांट करता है, लाइक अगर ये बच्चा है और उसने अपने आप को बच्चादानी के अंदर इम्प्लांट किया है, तो उसके इर्द गिर्द एक लेयर बन जाती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेती है। उसी प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे को माँ से न्यूट्रिशन मिलती है और ब्लड सप्लाई मिलती है। अक्सर केसेस में क्या होता है कि बच्चादानी के मुंह से ये लेयर थोड़ी हट जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। नॉर्मल है, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हिमाटोमा के केसेस में भी ब्लीडिंग होती है, लाइक ब्लड उस लेयर में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है प्लेसेंटा में, और वहाँ पर जमा हो जाता है। तो अगर तो प्लेसेंटा का 1/3 हिस्सा भी ठीक है, वहाँ पर हिमाटोमा नहीं है, ब्लड जमा नहीं है, और कुछ हिस्सा भी प्लेसेंटा का ठीक है, तो उसके थ्रू भी बच्चे को न्यूट्रिशन इनफ मिलती रहती है और बच्चा फर्दर ग्रो करता है। देन द नेक्स्ट केस इज़ हार्मोनल डेफिशिएंसी। कभी माँ में कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसे हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्ट्रोन जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी वजह से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग का एक कॉज फाइब्रॉइड्स भी है, मतलब अगर आपकी बच्चादानी में गांठ है, हो सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आगे बढ़कर इसकी लोकेशन पे डिपेंड करते हुए ये कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अब इस बात की तरफ मूव करते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आप डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, तो वहाँ पर आपके कुछ चेकअप्स किए जाते हैं। पहले तो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इस एग्जामिनेशन में ये चेक किया जाता है कि बच्चादानी का मुंह खुला तो नहीं है। अगर उसका मुंह खुला होता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी फर्दर सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसके ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें HCG का हार्मोन लेवल चेक किया जाता है, और एक ब्लड टेस्ट नहीं किया जाता। अगर आपका फर्स्ट ब्लड टेस्ट होता है HCG का, तो उसके 48 आवर्स के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट किया जाता है और हार्मोन के HCG के लेवल को कंपेयर किया जाता है। अगर तो 48 आवर्स के बाद HCG का हार्मोन डबल हो गया है, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है, तो इस केस में ब्लीडिंग हुई भी है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर HCG का लेवल बढ़ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर फर्दर टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर HCG का लेवल ड्रॉप कर जाता है, डाउन हो जाता है, तो इस केस में प्रेगनेंसी आगे सर्वाइव नहीं कर पाती। इसके अलावा आपका सोनोग्राफी की जाती है, इसमें TVS किया जाता है, ये एक अल्ट्रासाउंड की टाइप है,
जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में डिटेक्ट कर सकती है हार्ट बीट को। लेकिन बिल्कुल शुरू शुरू में अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी बहुत स्टार्टिंग में होती है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह से भी हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं होती है 6 वीक्स तक। लेकिन अगर 6 वीक्स के बाद भी हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो रही है 7th वीक में या 8th वीक में, तो इसका मतलब है कि वो प्रेगनेंसी फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट एक दफ़ा डिटेक्ट हो चुकी है, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हुई है और फिर हार्ट बीट चली गई है, तो वो भी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि एक दफ़ा हार्ट बीट आ जाए तो वो रुकती नहीं है। सो ये कुछ केसेस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसलिए कभी भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो तो आप डॉक्टर को विज़िट कर लें और इस चीज़ को इग्नोर मत करें, इसका कोई भी कॉज हो सकता है। आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।